दीवानो, मुझे पहचानो कहाँ से। ओके सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, इससे पहले मैंने डीजे पे स्टेटस वीडियो बनाया था और उस पर आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया। सो आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आप और भी ऐसा मतलब वीडियो देखना चाहते हो ना, तो सिंपली यार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बता देना। आजकल ना आपका कमेंट बहुत कम हो गया है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करा करो, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ओके सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और गाइस, बिटमार्क सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना, तो जिस प्रकार से भी इम्पोर्ट होगा मतलब डाउनलोड होगा, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, बट उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो एडिट करने के लिए आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सॉरी गाइस, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुरू में आ जाना है एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको टैप करना है और यहाँ पे जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपनी फोटो को किसी एक फोल्डर में रखना तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे ना आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड करना है। सो यहाँ पे आपको जो भी फोटो ऐड करना है, उस फोटो पे आपको टैप करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड इस वाले एरो पे क्लिक करना है एक बार एंड यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को ऐड करके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। और गाइस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो लास्ट तक मतलब फोटो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बिकॉज आपको पता है, सो आपको पता ही होगा कि जो डीजे सॉन्ग पे वीडियो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा फोटो लगता है, तो आई होप कि आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार से ना आपको फोटो को ऐड कर लेना है और हमेशा ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक मैंने फोटो ऐड किया, तो यहाँ पे आगे डबल बीट मार्क आपको दिख रहा है। ओके तो अब जहाँ पे आपको आगे डबल बीट मार्क दिखे ना, वहाँ पे आप फोटो ऐड करते वक्त ध्यान देना कि आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है। ओके इस वाले एरो पे दो बार, ओके, ताकि जो बीट मार्क है इसके बीच में जो छोटा सा गैप है उसमें फोटो हमारा ऐड ना हो। एंड इस प्रकार से फोटो को ऐड कर लेंगे और फिर से आगे डबल बीट मार्क है तो फिर हम इस वाले एरो पे दो बार क्लिक कर देंगे। ओके फिर यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। सो इसी प्रकार से आपको लास्ट तक सही फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो काफ़ी ज़्यादा है तो ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो गाइस मैं पहले अपनी फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने फोटो को ऐड कर लिया है, बट मेरे को काफ़ी टाइम लगा है, तो आपको भी टाइम लगेगा, बट आप फोटो ऐड कर लेना। अब जैसे फोटो ऐड कर लोगे ना, यहाँ से बैक आ जाना एंड से इफेक्ट पोजिट को सबसे पहले ओपन कर लेना। फिर यहाँ पे आपको पहला जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, फिर बैक आना है, यहाँ से बैक आके बिटमार्क पोजिट को ओपन कर लेना है। जैसे आप बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो आपको बड़ा वाला इमेज दिख रहा है ना पहला, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके बेस्ट इफेक्ट करना है। और गाइस एक बात सुन लो कि यहाँ पे मैंने कोई भी टैक्स ऐसा नहीं दे रखा है जिससे कि आप इफेक्ट को पेस्ट कर पाओ, मैं आपको बताऊँगा आपको वहीं वहीं पेस्ट करना है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। अब यहाँ पे आपको दो फोटो को स्किप करना है, उसके बाद जो एक बड़ा वाला फोटो है इसमें आपको पेस्ट कर देना है इस इफेक्ट को, फिर दो फोटो को स्किप करके और यहाँ पे तीन सेकेंड में जो फोटो बड़ा वाला इसमें पेस्ट कर देना है। ओके तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो तीन फोटो में इफेक्ट पेस्ट होगा, तो यहाँ पे इन तीनों फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, फिर बैक आना है, यहाँ से सेकंड इफेक्ट पोजिट को ओपन कर लेना है। ओके एंड यहाँ पे जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पे सेकंड इफेक्ट सॉरी बीट मार्क पोजिट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम आगे जाएंगे। और आगे जाने के बाद जस्ट यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये पहला फोटो को छोड़ के उसके बाद जो छोटा छोटा दो फोटो है ना, इस फोटो पे क्लिक कर करके फैट पे क्लिक कर करके पेस्ट फैट करना है एंड इन दोनों फोटो में पेस्ट करना है एंड फिर एक फोटो को छोड़ के फिर ये दोनों फोटो में पेस्ट करना है। तो ये जो हमारा दो नंबर का इफेक्ट है इसका भी काम खत्म हो जाएगा, ये चार फोटो में इसको पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड सेकंड इफेक्ट पोजिट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा तीन नंबर का इफेक्ट है ना, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे
इसको कॉपी करने के बाद फिर बैक आएंगे, बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे। और आगे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फोटो है 4 सेकंड पे, इस वाले फोटो में इस वाले फेड को पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये वाला फोटो जो कि जिसका दोनों साइड डबल बिटमार्क है, सो जिसका साइड मतलब दोनों साइड डबल बिटमार्क है, ये जो फोटो बीच में, इस वाले फोटो में 4 नंबर का फेड को पेस्ट, सॉरी गाइस 3 नंबर का फेड है मेरे हिसाब से, इसमें पेस्ट कर देंगे। फिर बैक आएंगे यहाँ से सेकंड फेड प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर का फेड है, अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो कॉपी कैसे करना है मैंने बता ही रखा है। तो यहाँ से 4 नंबर का फेड कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे स्लाइड करके आपको आगे जाना है। और गाइस यहाँ पे 5 सेकंड में जो आपको फोटो दिख रहा है ना, सिंपली आपको इस वाले फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, तो 5 सेकंड यहाँ पे जो फोटो है ना, ये जो छोटा छोटा फोटो है, इन सही फोटोज में आपको पेस्ट करना है। तो 5 सेकंड से लेकर आपको मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक पेस्ट करना है, यहाँ तक 13 सेकंड है जो छोटा छोटा फोटो है ना, इन सही फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, तो इस प्रकार से आप इन सही फोटो में पेस्ट कर लेना। तो फोटो काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं पूरा आपको पेस्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ तक पेस्ट कर देना। फिर यहाँ से बैक आ जाना, सेकंड फेड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पर जो 5 नंबर का इफेक्ट है सिंपली इसको कॉपी कर लेना। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा 5 नंबर का इफेक्ट है, इसको कॉपी कर लेना एंड फिर बैक आके बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आगे जाना है, और आगे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे आपने जहाँ तक आपने जो 4 नंबर का फिर को मतलब पेस्ट किया था, उसके आगे जो स्टार्ट हो रहा है इमेज 13 सेकंड से, यहाँ पे आपको इसमें इस वाले फिर को पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ से लेकर आगे मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक पेस्ट करना है। तो यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको रुक जाना है। ओके, 19 सेकंड पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे आपको डबल बिट मार्क दिख रहा है वहाँ पे आपको रुक जाना है। वैसे जहाँ पे डबल बिट मार्क दिख रहा है वहीं पे आपको जाके रुकना है। ओके, बाकी इधर सभी फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट करना है। हमारा 5 नंबर का इफेक्ट है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से आपको बैक आना है, सेकंड फेड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो 6 नंबर का इफेक्ट है ना, सिंपली इसको कॉपी करना है। तो 6 नंबर का इफेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे, फिर कॉपी करने के बाद बैक आएंगे, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हम आगे जाएंगे, और गाइस जहाँ तक हमने वो इफेक्ट को पेस्ट किया था जो कि हमारा 5 नंबर का इफेक्ट था, उसके आगे फोटो में हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करेंगे जो कि 19 सेकंड से है। एंड यहाँ से मतलब पेस्ट करके हम यहाँ तक पेस्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है 21 सेकंड में डबल बिटमार्क, तो यहाँ तक आपको पेस्ट करना है इस वाला इफेक्ट को एंड फिर यहाँ से आप बैक आ जाना। फोटो थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ से बैक आके सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और जो लास्ट लाइफ इफेक्ट है ना, इसको कॉपी कर लेना है। मेरे हिसाब से लास्ट जो इफेक्ट है ना, वो 6 नंबर या 7 नंबर का है, तो जो भी है ना, आपको लास्ट वाले को कॉपी कर लेना है। ओके, एंड कॉपी करने के बाद फिर बैक आके बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और गाइस यहाँ से आपको आगे चले जाना है। और यहाँ पे जो हमने डबल बिटमार्क देखा था यहाँ 22 सेकंड पे, उसके बाद यहाँ से लेकर लास्ट अब जितना भी इमेज है ना, सभी इमेजेस में आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको सभी इमेजेस में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी सभी फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। ओके, ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से इफेक्ट पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से बैक आ जाना है, जैसे कि फिर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और नीचे में आपको एक लेयर दिख रहा होगा इफेक्ट करके, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है। फिर बैक आके आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको शुरू में ही आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना है और पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको एक आई दिख रहा होगा सबसे इधर, सब देखो इस पर आपको यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है तो ये शो होने लगेगा एंड ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको इस वाले स्पीड वाले लेयर को मतलब इफेक्ट वाले लेयर को क्लिक करना है, लास्ट में आ जाना स्लाइड करके एंड स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करके जस्ट आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इससे इसका लेंथ जो है लास्ट आ जाएगा। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कम्प्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक करना है ऊपर यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान।